नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। द वार बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। देश के अलग अलग राज्यों में 4 लोकसभा सीट और 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कैराना, महाराष्ट्र का भंडारा, गोंदिया, पालघर और नागालैंड की भी एक सीट पर लोकसभा उपचुनाव कराए जा रहे हैं। वहीं जहां 10 जगह पे विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव कराए जा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के नूरपुर, बिहार का जोकीहाट और पंजाब की शाहकोट, उत्तराखंड की थराली, ये सारी जगहें शामिल हैं जहाँ पर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। तो और साथ ही में जो कर्नाटक की एक जगह है राजराजेश्वरी विधानसभा सीट पर, जहाँ पे उपचुनाव इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि पहले जो वोटर आईडीज थी उनको बड़ी संख्या में फर्जी पाया गया था। और इन सारे ही उपचुनावों में कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि ईवीएम जो मशीन है वो ख़राब है। कैराना नूरपुर उपचुनाव के दौरान सोमवार को ऐसी खबरें आईं कि ईवीएम में खराबी है। काफ़ी जगहों से ऐसी शिकायतें आईं। इसके बाद जो राज्य में प्रमुख विपक्षी दल के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने तंज भरे अंदाज में ये भी कहा है कि ये जो खराबी है ये तकनीकी गड़बड़ी है या फिर ये चुनाव आयोग की विफलता है या फिर लोगों को जो उनका मताधिकार है, राइट टू वोट है, उससे वंचित रखने की एक साजिश है। वहीं पे सपा के जो नेता हैं राजेंद्र चौधरी ने भी आरोप लगाया है कि नूरपुर में लगभग 140 ईवीएम मशीनें खराब हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा फूलपुर और गोरखपुर के चुनाव का बदला लेना चाहती है, इसीलिए किसी भी हालत में हमें हराना चाहती है। और ये सारे जो विपक्ष के आरोप हैं उनको इनकार करते हुए राज्य सरकार के जो प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, उन्होंने कहा है कि सरकार ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से ये मतदान कराए जाएं। जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। महाराष्ट्र में भंडारा, गोंदिया और पालघर के उपचुनाव में भी इस तरह की खबरें आईं कि कई जगह पे ईवीएम और ये मशीनें ख़राब हैं। प्रकाश अम्बेडकर ने भी अपने उसमें कहा कि 450 ईवीएम में खराबी पाई गई है। और चुनाव अधिकारी ने भी इस संबंध में कहा है कि महाराष्ट्र में ये जो चुनाव हो रहे हैं इन उपचुनावों में बहुत सारी मशीनें खराब पाई गई थी, तकनीकी गड़बड़ी थी, इसी कारण उन मशीनों को बदल दिया गया है। और आपको पता हो पालघर के कुछ जगहें, कुछ तहसीलें हैं जैसे माली अली, नवाले, नंदनवन गांव, इन गांवों में लगभग 15,000 लोगों ने जो विकास की कमी को देखते हुए, इन क्षेत्रों में विकास की कमी को देखते हुए इन उपचुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वहीं नागालैंड में जो एक लोकसभा सीट का उपचुनाव हो रहा था वो जारी है। पहले 4 घंटों में लगभग 44% मतदान हुआ है इसमें नागालैंड में। बुलेटिन की दूसरी खबर की अगर हम और चलें तो बिहार में बीते 6 अप्रैल को शराबबंदी के 2 साल पूरा हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि इस कदम से सबसे ज़्यादा जिस वर्ग को फ़ायदा हुआ है वो SC ST OBC तबका है, वो सबसे ज़्यादा खुशहाल है, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है। लेकिन जो जेल ऑफिशल्स का नया आंकड़ा आया है वो चौंकाने वाला है, वो ज़मीनी सच्चाई कुछ और बताता है। तो बिहार के 8 सेंट्रल जेल, 32 जिला जेल और 17 सब जेलों से ये जो आंकड़ा आया है ये बताता है कि बिहार की जनसंख्या में, टोटल जनसंख्या में जितना SC ST OBC वर्ग का तबका नहीं है उससे ज़्यादा उनकी संख्या है इन लोगों में जिन लोगों को इन आरोपों का उल्लंघन करने के कारण, इन कानूनों का उल्लंघन करने के कारण जिनको जेल में बंद किया गया है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे SC वर्ग को लें तो बिहार की जनसंख्या में ये 16% हैं, लेकिन इन मामलों में उल्लंघन करने के कारण जो गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या है उसमें इनका हिस्सा 27% है लगभग। वहीं ST वर्ग बिहार की जनसंख्या में इनका हिस्सा 1.3% है। वहीं गिरफ्तार लोगों में इनका हिस्सा 6.8% है। OBC वर्ग की बात करें तो बिहार की जनसंख्या में इनका जो हिस्सा है वो लगभग 25% है और वहीं जिन लोगों को इन कानूनों का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है उन लोगों में इनका हिस्सा लगभग 34.4% है। तो ये जो CM का बयान था कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा SC ST और OBC वर्ग को हुआ है, ये कितनी ज़मीनी सच्चाई रखता है ये जेल ऑफिशल्स के आंकड़े, उनके डेटा खुद बताते हैं। अगली खबर से शायद आप थोड़ा चौंक जाएं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं अमर साबले, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा था कि देश के लोगों की जेब में 15-15 लाख रुपए आएंगे। साबले ने कहा है कि विपक्ष की पार्टियां इस मुद्दे को उठाकर गलत सूचना फैला रही हैं, लोगों में गलत फहमियाँ भर रही हैं, क्योंकि भाजपा का जो घोषणा पत्र था उसमें कहीं नहीं शामिल था कि 15 लाख रुपए हर लोगों के जो अकाउंट में आएंगे।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले जितनी भी रैलियां वगैरह की थी उसमें कई बार इस बात की घोषणा की थी कि काला धन वापस आएगा, विदेशों में जो जमा है उसके बाद लोगों की जेब में 15-15 लाख रुपए आएंगे। और ये पहली बार नहीं है कि भाजपा ने किसी वादे से इस तरह से इनकार किया हो। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि भाजपा ने या नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने इस वादे से भी वो पहले भी इनकार कर चुके हैं। बुलेटिन की अगली खबर की अगर हम और चलें तो चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दल आरटीआई के कानून के दायरे से बाहर हैं और उनका ये जो आदेश है ये केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश के विपरीत है, जिसने इन 6 राष्ट्रीय दलों को पारदर्शिता कानून के अंदर लाने के लिए निर्देश दिया था। एक आरटीआई आवेदक की याचिका पर चुनाव आयोग ने ये कहा कि राजनीतिक दल आरटीआई कानून के दायरे से बाहर हैं, जिसमें 6 राष्ट्रीय दल जो थे इस याचिका में मांगा गया था, ये जानकारी मांगी गई थी कि उनके द्वारा जो जुटाए गए चंदे हैं उनकी जानकारी को दिया जाए। इसमें भाजपा, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, बसपा ये सारे राजनीतिक दल शामिल हैं। इसकी जब जानकारी मांगी गई तो चुनाव आयोग ने ऐसा जवाब दिया है जो कि केंद्रीय सूचना आयोग के निर्देश के ही खिलाफ है। केंद्रीय सूचना आयोग ने 2013 में आरटीआई के दायरे में इन राजनीतिक दलों को लेके आया था। बुलेटिन की आखिरी खबर की अगर हम और चलें तो देश के बैंकिंग क्षेत्र में जितना सारा फर्जीवाड़ा हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, उसके कारण 2017 से 2018 जो साल रहा वो बैंक के क्षेत्रों के लिए काफ़ी भारी रहा। ये वित्तीय वर्ष बहुत मुश्किल रहा। सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत जो जानकारी से खुलासा हुआ है कि बीते वित्तीय वर्ष में जितनी भी बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं उसमें कुल मिलाकर 25,775 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। और इसी वित्तीय वर्ष 2017-18 में धोखाधड़ी के अलग अलग मामलों में जो PNB है उसको सबसे ज़्यादा यानी कि टोटल 6,461 करोड़ रुपए का लगभग नुकसान झेलना पड़ा है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान है PNB का। उसके बाद हम देखें घरेलू बैंकिंग के क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक बहुत बड़ा है लेकिन सबसे बड़े घोटाले का इसको सामना भी करना पड़ा है। ये इसी साल की शुरुआत में जो हीरा कारोबारी नीरव मोदी हैं और गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी हैं, उन्होंने कुछ PNB के अधिकारियों के साथ मिलकर लगभग 13,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया और इस घटना को अंजाम दिया। और वहीं इसी जानकारी के मुताबिक ये भी बताया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक को लगभग 2,390 करोड़ का चूना लगा है और उसके साथ वो दूसरे पायदान पे है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें जिसमें हमने देखा कि किसी भी लोकतंत्र में लगातार बार बार जो चुनाव का तरीका है, चुनाव का माध्यम है, उसी पे बार बार इल्ज़ाम लगना, बार बार कभी तकनीकी गड़बड़ी, कभी विपक्ष जो आरोप लगाते हैं कि जानबूझ के छेड़छाड़ की गई है EVM पे, VVPAT मशीन्स पे, ये लोकतंत्र में किसी भी सही नहीं है। जहाँ पे जनता के द्वारा चुनाव होते हैं, जनता किसी को चुन के लाती है, उसी चुनाव के तरीके से अगर लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए सच में खतरा है। और साथ ही में जिस तरह के मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, जिस तरह के वादे किए गए थे, उन वादों को 4 साल की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कई तरह से उन वादों को जिस तरह से हमने देखा कि झूठ बताया गया कि ऐसे वादा किया ही नहीं गया था कि 15 लाख रुपये लोगों के अकाउंट में आएंगे, ये मैनिफेस्टो में ही नहीं था, ये भी लोगों के साथ एक धोखा है। और लगातार इरेशनलिटी फैलाना, लगातार किसी झूठ को बोलना, हमने हाल ही में एक खबर देखी थी कि जिसमें फर्स्ट फिक्स्ड विंग एयरप्लेन के बारे में कहा गया था कि ये चालू हुई है लेकिन वो भी वादा झूठ निकला। इरेशनलिटी को फैलाने की काफ़ी चीज़ें हमने देखी कि यज्ञ कराने का बात किया गया क्योंकि पानी की कमी है। तो मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर इस तरह की बातें, इस तरह का लोगों के साथ धोखा भी किसी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसी के साथ मैं सृष्टि द्वार बुलेटिन में आज इतना ही।